तुमने तो धमकी दी थी कि अगर आधी रात से पहले मैं यहाँ नहीं आया तो तुम खुदकुशी कर लोगी, और तुम तो यहाँ बैठ के टीवी देख रही हो। ऐसा नहीं है, खुदकुशी करने की सारी तैयारी कर ली है मैंने। कुछ देखो तो, मेकअप भी कर लिया है। तुम्हारे पास यहाँ पर रस्सी, चाकू, जहर और ये गोलियां रखी हुई है, लेकिन इस कप में क्या रखा हुआ है? शक्कर। वो क्या है ना, बचपन से ही मुझे दवाई खाने से पहले थोड़ी सी शक्कर खाने की आदत है। पहले शक्कर खा लूं तो दवाई कड़वी नहीं लगती, समझे? इतना ही नहीं, खुदकुशी करने के लिए कौन सा तरीका अच्छा है ये जानने के लिए मैंने नई पुरानी सारी फिल्में देख ली। तो फिर इतनी देर क्यों रुकी, कर लेती खुदकुशी? करने ही वाली थी कि उसी वक्त मेरी एक फ्रेंड का फोन आ गया। मैंने उसे मेरी प्रॉब्लम बताई। पता है वो क्या बोली? कि आजकल लड़के ना पहले जैसे नहीं रहे, प्यार में थोड़ी रिस्क तो लेनी पड़ती है। उसकी बात भी सही है, आजकल अच्छे लड़के कहाँ मिलते हैं। फिर तुम्हारे जैसे अच्छे लड़के के लिए अगर मुझे थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़े तो इट्स ओके। सो सुसाइड का आइडिया मैंने कैंसिल कर दिया, और प्यार की मालगाड़ी को आगे कैसे बढ़ाऊं ये सोच रही हूँ। और ये मेरा माइकल, मेरे बिना ये कैसे जिएगा? इसीलिए इसके लिए भी सेम प्लान। मेरे होते हुए माइकल कैसे मरेगा? मेरे साथ आया था लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ गया होगा वो? ये कैसी आवाज है? मैंने जो सवाल पूछा था उसका जवाब मिल गया। देखता हूँ क्या हुआ है, मैं सब हैंडल कर लूंगा। तुम जाओ जाके मेरे सपनों में खो जाओ। बाय। नहीं, चढ़ता हूँ मैं वो तो। मत मारो बेचारे को, क्यों मार रहे हैं आप लोग? तू यहाँ क्या कर रहा है? ये अपना रंगीला है साहब। रंगीला हूँ। ये बता, इतनी रात गए यहाँ पे सीढ़ी लगा के क्या कर रहा है? ये हम लोग छत पे पेंट कर रहे थे तो सीढ़ी यही छूट गई। सही कह रहा है। कब से पेंटिंग करने लग गया तू? तो मछली पकड़ता है ना? ये तो अपना साइड बिजनेस है साहब। ठीक है ठीक है, पहले सीढ़ी को साइड में हटा, निकलो यहाँ से। अगली बार देखा तो टांगे तोड़ दूंगा, समझ गया? ठीक है साहब। हमें एक ऐसा जरिया मिला है जिससे हम करोड़ों कमा सकते हैं। फौरन ये लैंड क्लियर करवाओ, वहां से लेकर यहाँ तक पूरी बस्ती को साफ कर दो। लवली, अगर तूने ये बस्ती खाली करवा दी तो 1 BHK तेरा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मछुआरे मछलियां पकड़कर उन्हें बेचकर अपना पेट भरते हैं। अगर हम उन्हें अच्छी कीमत दे दे तो फौरन वो ये जगह खाली कर देंगे और अपना पार्क बन जाएगा। इतना आसान नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि इस बस्ती में सुरा रहता है। तू जानता है सुरा को? ये बस्ती वाले सिर्फ उसी की बात मानते हैं। वो इन बस्ती वालों का लीडर है क्या? वो खुद को लीडर नहीं मानता, बस्ती वाले उसको मानते हैं और वही करते हैं जो वो कहता है। आजकल लोग अपने छोटे मोटे काम की भी इतनी जमकर पब्लिसिटी करते हैं कि क्या बताऊं। बस्ती में चाल के बाहर चौराहे पर फोटो लगाते हैं ताकि हर गुजरने वाले को पता चले कि यहाँ का लीडर कौन है। अगर वो बस्ती का खास है तो आप उन्हें अभी तक नाम क्यों नहीं सुना? जैसे किसी इमारत की नींव नहीं दिखाई देती, उसी तरह उसका चेहरा भी किसी दीवार या पोस्टर पर नहीं दिखाई देता, लेकिन उसकी छाप हर दिल में है। लोग उसके कहने पर जान तक दे सकते हैं। हमें उससे बहुत होशियारी से निपटना होगा। लेकिन सर, हर एक मछुआरे से अलग से बात करने की बजाय क्यों ना हम सुरा से ही बात कर लें? नहीं नहीं नहीं, अगर ये डील कोर्ट में चली गई तो ये मामला बस्ती से निकलकर सीधा टीवी पर आ जाएगा। जब तक वो जमीन हमें मिलती नहीं है, किसी को उसकी भनक तक नहीं लगनी चाहिए। क्या हुआ थड़ानी, एनी प्रॉब्लम? अगर तुम्हारा घर लॉक हो जाए और चाबी खो जाए तो अंदर कैसे घुसोगे? ताला तोड़ के। तो फिर तोड़ दो। रंगीला,
मेरा कबूतर मैं मर गया। अब इसको और झेल नहीं सकता मैं, ऐसे ही छुप के बैठता हूँ ताकि वो देख नहीं पाए। रंगीला शरीफ लड़के का पीछा कर रही हो तुम? सूरा को जानते हो ना? हाँ तो मैंने एक लड़के से सूरा के बारे में पूछा तो वो बोला रंगीला से जाके पूछो, इसलिए मैं सूरा के बारे में मुझसे नहीं सीधा जाके उसकी माँ से पूछो। पर है कहाँ सामने जो औरत मछली बेच रही है ना वही है। चल मेरे साथ, मुझे नहीं और पकड़ के ले जा रही हो। पर मैं उन्हें पहचानूंगी कैसे? वो भूरी साड़ी वाली ना वही उसकी माँ है। सासू माँ मेरे बच्चों की दादी माँ। सब ज्यादा हो रहा है, प्यार में लोग गले मिलते हैं, तुम तो गले पड़ रही हो, गला दबाओगी क्या? जाके मछली पकड़ो, मैं चली सासू माँ से मिलने। अच्छा ये लड़की तो बहुत तेज है, पता नहीं सूरा की माँ से क्या क्या कहेगी, हो सकता है कुछ अनाप शनाप बोल दे, जाकर सुनता हूँ। सासू माँ, सासू माँ। हाँ आपको बोल रही हूँ। क्यों रे रंगीले, ये चांद का टुकड़ा जमीन पर कैसे उतर आया, कौन है ये? इसका और आपके बेटे का टाका भिड़ा हुआ है, घुमर चिक टाकर चिक। क्या बोल रहे तू? हाँ ये आपके बेटे को जोर से लव करती है। लव? हाँ सिर्फ लव ही नहीं करती, ये सरे आप में उसका लव। चिंतित रहो, तुम्हारा नाम क्या है? हाँ ये यहाँ क्या कर रही है और ये माँ से क्या बात कर रही है? तो इसीलिए मैं आपसे यहाँ मिलने आई। आखिर ये चोट लगी कैसे? अब क्या बताऊं डॉक्टर, दोनों औरतों ने धोया कि उन दोनों औरतों का वजन 200 किलो था, मुझे पकड़ पकड़ के लिटा लिटा के धोया। सबसे बड़ी बात ये है डॉक्टर कि उन दोनों का वजन 200 किलो के ऊपर था। क्या बकवास कर रहा है ये? सॉरी डॉक्टर, ये इनका पर्सनल मैटर है। ए, चलो तुम बाहर निकलो। नहीं जाऊंगा, डॉक्टर पूछ रहे हैं मैं जवाब दूंगा ना। और बोलोगे ना तो जहर का इंजेक्शन लगवा दूंगी। मुझे धमकी दे रही हो? गेट आउट। टकले तुझे तो देख लूंगा, सच बोलने के लिए जहर वाला इंजेक्शन दे देंगे तो इससे अच्छा बाहर ही जाता। माँ कैसी है? जाकर खुद ही देख ले, एक तो दिमाग खराब है। सूरा कैसी हो माँ, ठीक हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू कैसा है? कौन थे वो लोग और वो तुझे क्यों मारने आए थे? पता नहीं माँ क्यों मारने आए थे। हो सकता है जो भी हुआ वो गलती से हुआ। नहीं पूर्णिमा, ऐसा लगता तो नहीं है, मुझे लगता है वो मुझे ही मारने आए थे। तू तो हमेशा ही दूसरों की खुशी चाहता है, फिर कोई तुझे क्यों मारेगा? मैंने तो उन्हें कभी देखा तक नहीं था माँ, उनसे कुछ पूछ पाता उससे पहले तो वो लोग भाग निकले, कम से कम कुछ पता तो चल जाता। थैंक गॉड कि कल मैं उस जगह पर नहीं था। लेकिन अब हम क्या करेंगे? अरे करना क्या है, उसने हमारे आदमियों को बहुत बुरी तरह पीटा, अब तो ये बात सिर्फ पेपर में आना बाकी रह गई है। बात कर, इन सबको खर्चा पानी दे दो। हाँ ठीक है चलो चलो आ जाओ सब। क्या करें? अब उसे छेड़ने का कोई मतलब नहीं, उल्टा हमारा ही नुकसान होगा। वो होशियार हो गया होगा, कोई और तरीका अपनाओ तुम। ओके मैं चलती हूँ, बाय। ए, इसे ठिकाने लगा दो। जल्दी करो, हाँ, तुझे कुछ हो जाता तो तेरी माँ भी मर जाती। सब ठीक है माँ, सब ठीक है। ये कैसे हुआ? तुमने तो बोला था कि ये मर गया है, लेकिन ये तो आग से भी जिंदा बच के निकल आया। हमने तो कई कोशिशें की, समझ में नहीं आता ये हर बार बच कैसे जाता है। देख बेटा ये क्या हो गया, हम लोग लूट गए, बर्बाद हो गए। मैं कहां था, मेरे साथ क्या हुआ ये मैं बाद में बताऊंगा,
आप सब लोग कहाँ जा रहे हैं? पूरी बस्ती जलकर खाक हो गई है। मिनिस्टर साहब हमें मरुधर नगर में जमीन दे रहे हैं और साथ ही हर एक को 1,00,000 रुपए ताकि हम अपना घर वापस बना सकें। समंदर में मछली पकड़ने के अलावा और कोई काम जानते हैं आप? हाँ? हर दिन मरुधर नगर से क्या आप गाड़ी में बैठ के यहाँ मछली पकड़ने आएंगे? ये तो उनकी खोई हुई हिम्मत लौटा रहा है। लेकिन हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है। इससे पहले क्या हमारे पास रहने के लिए पक्के घर थे? क्या हमारे घरों में बाथरूम, खाने के लिए टेबल, 24 घंटे पानी, दीवारों पर महंगा पेंट या फिर एसी लगा हुआ था? हम जिस घर में रहते थे वो बहुत छोटा था, और क्या हम वैसे ही घर फिर से नहीं बना सकते? इतनी जल्दी हिम्मत हार गए हम? आप जिस जमीन पर पैदा हुए, पले बढ़े, उसे सिर्फ 1,00,000 रुपए के लिए अनाथ बनाकर कैसे जा सकते हैं? ऐसे को आपको पैसे देगा और आप ले लोगे? कोली समाज हमेशा खुददारी की बात करता है, तो आज वो खुददारी भिखमंगी में कैसे बदल गई? तुम उस समय थे नहीं, हम करते क्या? तुम ही बताओ। तो क्या हुआ, क्या जरूरत है मेरी, बताओ? हम में हिम्मत होनी चाहिए कि हम सही फैसला कर सके। हमें किसी मंत्री की भीख नहीं चाहिए, पैसे लौटा दो। हम कहीं नहीं जाएंगे, हम दोबारा यही घर बनाएंगे। मिनिस्टर साहब तुमसे मिलना चाहते हैं। तूने बस्ती वालों से जो जो कहा मैंने एक एक शब्द अच्छे से सुना। बेकार में उनके दिमाग में खिचड़ी मत पका। आग में उनका सब कुछ लुट गया है। बदलने के लिए उनके पास एक जोड़ी कपड़े तक नहीं बचे हैं। मैं उन्हें जमीन और पैसे दे रहा था तो तूने बीच में अपनी टांग क्यों उड़ाई? अगर आप हमें घर बनाने के लिए पैसे देते तो हम बहुत खुश होते और इससे बड़ी बात हमारे लिए कुछ नहीं होती। पर आप तो चाहते हैं कि हम ये जमीन छोड़ के हमेशा के लिए यहां से चले जाएं। मुझे तो अब आपकी नीयत पर शक होने लगा है। या आप हमसे हमारी जमीन छीनना चाहते हैं? समझ गया। मैंने हर परिवार को 1,00,000 रुपए दिए। तुझे कितना चाहिए? 10,00,000? 1,00,000,000? या 10,00,000,000? शुरू से मुझे शक तो था, लेकिन अब यकीन हो गया है कि तूने ही हमारी बस्ती में आग लगवाई। हाँ लगवाई तो क्या हुआ? मुझे ये जमीन चाहिए, तुझे क्या चाहिए बोलना। तूने हंसते खेलते लोगों से भरी बस्ती जलाई, और अब जब मैं ये सवाल पूछ रहा हूं तो तू पैसे ठूस के मेरा मुंह बंद करना चाहता है? अगर ये बात मैंने किसी को बताई तो कोई मुझ पर यकीन नहीं करेगा। पुलिस तक तेरे खिलाफ कंप्लेन नहीं लिखेगी। इसीलिए अब इस मामले को मैं अपने हिसाब से निपटाऊंगा। अबे मैं यहाँ का एमपी हूँ, मेरे पास पैसा है, रुतबा है, ताकत है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भले ही तेरे पास पैसा, ताकत, रुतबा और न जाने क्या क्या है, लेकिन मेरे पास समीर है, मेरे उसूलों की ताकत है, और यहाँ पर लोग मेरे एक इशारे पर अपनी जान कुर्बान करने को तैयार है। एक बार मैंने जो सर पर कफन बांध लिया ना, तो एमपी क्या और एमएलए क्या, सब कुछ जेब में रखता हूँ।